जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्वार की कीमतों में काफी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार चल रहा था। फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी ग्वार की कीमतें उठ नहीं पा रही थी। रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते कच्चे तेल में आई तेजी के बावजूद ग्वार की कीमतों में कुछ समय के लिए सीमित दायरा रहा था। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के कारण वहां कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्वार गम की डिमांड घटी थी, जिससे ग्वार की कीमतों में गिरावट आई थी, जबकि कच्चा तेल 14 साल के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। ग्वार की कीमतें तब बढ़ना शुरू हुई जब अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल को खरीदने से मना कर दिया और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देशों ने रूस के कच्चे तेल को खरीदने से इनकार किया है, जिससे रूस को आर्थिक चोट पहुंचे और रूस यूक्रेन पर हमला करना बंद कर दे। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने जो रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया है, तो जाहिर है कि अमेरिका कहीं ना कहीं से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाएगा। जानकारों के अनुसार अमेरिका अपना कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे सकता है। अगर अमेरिका अपने यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाता है तो वहाँ पर ग्वार गम का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिसका सपोर्ट भारतीय ग्वार की कीमतों को मिलता दिखाई देगा और निर्यात में भी कुछ तेजी दर्ज की जा सकती है। जानकारों के अनुसार ग्वार गम में फिर से 12,500 से 13,000 और ग्वार सीड में लंबी अवधि में 8,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।